नमस्कार, हुनरमराठी.com में आपका स्वागत है। टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपीज के आज के एपिसोड में हम बनाएंगे मटर कचौरी। मटर कचौरी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और सॉफ्ट लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आज हम बनाएंगे मटर कचौरी। मटर कचौरी हम दो स्टेप में बनाएंगे। पहले हम आटा गूंथेंगे और बाद में स्टफिंग। आटा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, घी 1/4 कप, ऑयल भी ले सकते हैं, नमक 1 टीस्पून। सब इंग्रेडिएंट मिक्स करके हम आटा तैयार करेंगे। मैदा, नमक और घी। नॉर्मल पानी से ही आटा गूंथेंगे। आटा ज़्यादा गीला नहीं करना है। इस तरह मसल कर हमें आटा गूंथना है। आटा गूंथ के रेडी हो गया है। इसे हम 15 से 20 मिनट तक गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए मटर 1 कप, बेसन 1/4 कप, बेसन से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, हरा धनिया, जीरा 1/2 टीस्पून, हींग 1 पिंच, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून से कम, 2 हरी मिर्च मिक्सर में ग्राइंड की हुई, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नींबू का रस, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार। सबसे पहले मटर को दरदरा होने तक मिक्सर में ग्राइंड करके लेंगे। इस तरह से ग्राइंड करके लेना है। सबसे पहले पैन लेकर बेसन को सेक के लेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम पे बेसन को सेक के लेना है। बेसन सेक के रेडी हो गया है। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल लेंगे। सब मसाले मिक्स करेंगे। हींग, जीरा, हरी मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ग्राइंड किया हुआ मटर ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून के लेंगे। भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे। नींबू का रस ऐड करेंगे। मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। सब इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रखना है। स्टफिंग रेडी होने लग गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और मिश्रण हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखेंगे। अच्छी तरह बिक के रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे साइज के गोले तैयार करेंगे। इस प्रकार के हमें गोले तैयार करना है। इस तरह से चपटे गोले तैयार करेंगे। अब हम इसको बेल के लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इसके अंदर हम स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरह से हमको ऊपर से पैक करना है और एक्स्ट्रा पोर्शन निकाल के लेना है। इस तरह से कचौरी तैयार करना है। कचौरी भरकर रेडी हो गई है। अब हम इसे तेल में तलेंगे। तेल गर्म हो गया है। अब हम धीरे धीरे कचौरी तेल में डालेंगे। कचौरी हमें स्लो मीडियम फ्लेम पे ही तलनी है। कचौरी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। इस तरह पलट कर हमें तलना है दोनों साइड से। कचौरी तल के गर्मा गर्म रेडी हो गई है। इसे हम हरी चटनी, इमली की चटनी और तली हुई हरी मिर्च के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। एज यूजुअल सम स्पेशल टिप्स फ्रॉम माई साइड। स्टफिंग में बेसन डालना है और कचौरी स्लो मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। मैं आशा करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ट्राई कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेस्टी एंड बेस्टी रेसिपी चैनल। थैंक यू।